एवरल टाइम स्वच्छता और सुंदरता को लेकर लगातार अपनी मुहिम जारी रखे हुए है और आज हम हैं कल्याण सिंह वार्ड जोन 6 में। आपको हम यहाँ की मुख्य मार्ग की स्थिति को दिखाएंगे कि किस तरीके का है। ये हम मुख्य मार्ग है, पूरा तरीके से यह तालाब में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या समस्या है सर इस वार्ड की? इस वार्ड की समस्या भी ये नहीं है, पानी के असल में चीवर चौक है, इसकी ये मेन समस्या ये है। इसको सफाई करवाने के लिए सफाई हो नहीं पा रही, पब्लिक को निकलने के लिए बहुत दिक्कत है। ये सब की यही सब दिक्कतें हैं, पानी भरा हुआ है। यहाँ नगर निगम के अधिकारी आते हैं लेकिन काम नहीं हो पा कर पाते, एक घंटे दो घंटे के लिए आते हैं, अपनी वही फर्जदाई करने के लिए आते हैं, यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं आता है। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को कैसे निकाल रहे हैं। दुर्घटना का कारण भी ये तालाब हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि गाड़ी भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से नाली का पानी यहाँ पर बिल्कुल एकदम रोडों तक आ चुका है, कोई भी साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इस पानी में कीड़े आदि उत्पन्न हो रहे हैं, ताकि तरह तरह की बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों के पास इतनी सूचना होने के बावजूद भी यहाँ पर यहाँ की इस वार्ड की ऐसी दुर्दशा है। पार्षद भी यहाँ सर दसियों एप्लीकेशन लगे हुए, पार्षद रोज बहस करता हर जगह पे, इसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पार्षद कौन है यहाँ पे? सनी आशा रावत है। पार्षद आता है देख के क्या करे, रोज अधिकारी लाता सब अधिकारी आए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ? अच्छा अच्छा। यहाँ से कई पदाधिकारी आए, विधायक के पास है, यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, विधायक जी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये ई रिक्शा है। अभी एक दुर्घटना यहाँ पे घटित हो चुकी है, पूरा का पूरा ई रिक्शा पलट गया था। कैसे यहाँ से यात्रियों का निकलना मुश्किल है। आइए हम आपको और भी अंदर ले चलेंगे। यहाँ पे एक पार्क है, पार्क की स्थिति को भी दिखाएंगे और लोगों की और भी समस्याएं जानना चाहेंगे। यहाँ पर इस वार्ड में रहने वाले लोगों की जल की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। यहाँ पे माता जी किस तरीके की समस्या है पानी की? अरे भैया वो सड़क में सही पानी नहीं मिला, चार दिन हो गए भैया, कोई पानी देता नहीं है भैया, पानी क्या करे, इतना छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हैं पानी के लिए, क्या बताएं जी जी, बहुत परेशान, बहुत परेशान। कितने दिन हो गए अभी तक, मतलब ये समस्या का निदान नहीं हुआ? चार दिन से नहीं आया है, डेढ़ साल से ये पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये डेढ़ साल से हम लोग समस्या झेल रहे हैं। जब छोटे बच्चे गिरते हैं नालियों में पानी भरा, सांप सूप निकलते हैं, वहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। दो साल हो गया, हाँ, हम लोग का निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बड़ा नारा है कि बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए। आज 13 साल हो गया ये सरकारी स्कूल गवर्नमेंट पढ़ा है, ये दारू और शराब का जुए का अड्डा बन गया। कोई सरकार की तरफ से इसमें स्कूल में पढ़ाई की, गरीबों की बच्चों की कोई शिक्षा नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं उधर घुमा के कैमरा दिखाइए, थोड़ा सा दिखा दिखाइए, बिल्कुल सरकारी स्कूल है ये, पूरी तरीके से शासन प्रशासन अवस्था में है और कोई सुनवाई, जुए का अड्डा हो गया। इतवार को जी यहाँ की पब्लिक इकट्ठा होगी, जी ठीक है, पब्लिक इकट्ठा होगी और जितने विभाग हैं, चाहे वो जलकल विभाग हो, चाहे PWD हो, ठीक है, चाहे वो स्वच्छता विभाग हो, ठीक है, यहाँ पे सारे अधिकारियों को एक एक एप्लीकेशन पहले दी जाएगी, हफ्ते भर के लिए अवगत करा दिया जाएगा। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग सड़कों पे आकर इनके विभाग में जाके धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। अपनी मांगों के मुद्दे हम स्वयं उठाएंगे और उनसे हम स्वयं जाके बात करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है यहाँ पे कि उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क बिजली पानी, इन तीनों का कहा यहाँ पे कहीं नामो निशान नहीं है। पूरा वार्ड आप देख सकते हो किस तरीके से है। एवरल टाइम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का यूपी का प्रशासन, लखनऊ का प्रशासन इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पर तत्काल प्रभाव से इनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का कष्ट करें। के अंतर्गत आने वाले इस विद्यालय की स्थिति को आपको हम दिखा रहे हैं कि शिक्षा पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है लेकिन बड़ी विडंबना है वाकई में इस वार्ड की। आप स्थिति को यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके का है। यहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल बन के तो खड़ा हुआ है लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर अवस्था में है कि आप देख रहे होगे कि यहाँ के जो भी गरीब तबके के लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोच रहे थे कि ये विद्यालय बना हुआ है तो यहाँ पे उनको शिक्षा प्राप्त होगी, लेकिन शिक्षा तो छोड़ दीजिए, नशे और जुए का अड्डा पूरी तरीके से बन चुका है। हम एवरल टाइम के माध्यम से यहाँ के इस वार्ड की जो जोन 6 में आता है, कल्याण सिंह बाबू वार्ड है ये, यहाँ के लोगों की समस्याओं को हम प्रशासन तक पहुँचाना चाहेंगे ताकि यहाँ की जो भी समस्याएँ हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो और यहाँ की जो भी जनता है उनको भी स्वच्छता और
सुंदरता पूर्वक एक वातावरण मिल सके। कैमरामैन हिमांशु कश्यप के साथ अंशुल शुक्ला, विरल टाइम्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।